हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकूस किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन चटनी, ओनियन प्याज चटनी और कोकोनट चटनी। और ये वाली चटनी आपने रेस्टोरेंट में भी नहीं चखी होगी, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप अपने घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में भी बताना कि कैसी बनी है आपकी। और सब्सक्राइब तो करना ही है आप सब लोगों को, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों चटनी हम बनाने वाले हैं, ओनियन प्याज चटनी और कोकोनट चटनी। तो चलो बनाते हैं। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल डाला है। अब इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और सूखी 2 मिर्चें और उड़द दाल डालेंगे। 1 चम्मच जितनी उड़द दाल डाली है मैंने यहाँ पे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उड़द दाल को हमें पकानी है अच्छे से, ज़्यादा भी नहीं पकानी है कि जल जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो तब तक ही पकानी है हमें। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखो धीरे धीरे कलर भी चेंज होता जा रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और डालेंगे अदरक और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखो कलर भी हमारा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है और 2 हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आप तीखा खाते हो उतना। पर यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च ली है, इसीलिए 2 ही मैंने ग्रीन चिली डाली है। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ कलर चेंज हो तब तक ही हम पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे वापस अच्छे से। ये देखो सब पक चुका है और ऑनियन का भी कलर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो ऑनियन भी हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। आपने ऑनियन जितना लिया है उससे डबल हमें टमाटर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ऑनियन लिया था, तो 2 मैंने टमाटर ऐड किया है इसमें। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादा तो और कुछ नहीं डलता है, सिंपल ही ये ऑनियन प्याज ही डलता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम पकने देंगे, टमाटर स्मूथ हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। आपको अगर ऊपर से तड़का लगाना है तो ये सारा ऑनियन प्याज मिर्ची सारा ऐसे ही कच्चा मिक्सी जार में ऐड करके आप ग्राइंड करके फिर ऊपर से तड़का लगा सकते हो। पर इसमें मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी, साइड में तेल थोड़ा करके उसमें मैं राई ऐड करूंगी। आप पहले भी ऐड कर सकते हो पर मैं इसी स्टेज में डालूंगी। ये पक चुका है, अब इसे ठंडा करने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। तो ये सारा गया मिक्सी जार में। अब लगा देंगे ढक्कन और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए और कलर भी देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो सर्व कर लेते हैं इसे। तो अब हम बना लेते हैं कोकोनट वाली चटनी। तो मैंने यहाँ पे नारियल लिया है 1/2 बाउल जितना, छोटे टुकड़े करके डाले हैं और बिना छिलके वाले चने लिए हैं रोस्टेड। आप दाल भी ले सकते हो भिगो के। 1 चम्मच मूंगफली को क्रश करके डाला है यहाँ पे और 2 मिर्च और डालेंगे थोड़ी सी इमली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अदरक डालेंगे, अब थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे
और अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब लगा देंगे ढक्कन और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब देखते हैं कैसी बनी है हमारी चटनी। तो ये देखो कितनी मस्त दिख रही है ये चटनी। ये मैंने गाढ़ी रखी है। अगर आपको थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए तो इसमें आप नारियल में से जो पानी निकला है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये रेडी हो चुकी है चटनी। तो अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं। तो एक पैन में हम एक चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल कम यूज़ किया है, आप चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। ऑयल गरम हो चुका है हमारा, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे राई। अभी डालेंगे कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये आप स्किप कर सकते हो। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये तड़का अब जाएगा डायरेक्ट हमारी चटनी में। तो ये देखो कितनी बढ़िया दिख रही है चटनी। मिक्स कर लेंगे ये। तो ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है ना चटनी। तो ये अभी दोनों चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा सबके साथ खा सकते हो और ये स्वाद में बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, फिर आप ये बार बार बनाने लगोगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।